दोस्तों आप देख रहे हैं बाइक टिप्स बाय इंजीनियर। इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि बाइक में जो इंडिकेटर होता है उसमें एक डिब्बी लगती है, यानी कि इंडिकेटर हॉर्न होता है जो इंडिकेटर का बटन स्विच दबाने पर आवाज़ करता है, वो हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। हमने ये पुराना वाला निकाल दिया है, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने लगभग 2019 में लगवाया था, जो कि इस पर लिखा हुआ है 2019। एस स्टोन का है ये, 6 वोल्ट से 12 वोल्ट का। ये काफ़ी पुराना है और इसलिए एक साल में लगभग ये ख़राब हो गया है। अब हम इसमें नया इंडिकेटर हॉर्न लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप। पहले इसके तारों को हम छील लेते हैं ताकि ये आसानी से लगाया जा सके, और उनको तारों को थोड़ा मोड़ लेते हैं ताकि तार इधर उधर नहीं भागें। थोड़ा अच्छी तरीके से मोड़ लेते हैं इन तारों को, और उसके बाद हम ब्लैक में लगा देते हैं। और रेड वाला रेड में लगा देते हैं। और उसके बाद ये इसका स्विच को दबा देते हैं और इसके हॉर्न को हम बजा के दिखाते हैं आपको। बाइक आवाज़ ना ही दमदार आवाज़। ज़्यादा है वही तो सही है, बात ज़्यादा। दोस्तों इस इंडिकेटर की डिब्बी को हम सीट के जस्ट नीचे कर देते हैं ताकि हम बाइक को अगर धोएं तो ये इंडिकेटर की डिब्बी भीगे नहीं। देख सकते हैं आप, इसको हाथ से सीट के अंदर रखा जा रहा है। वैसे तो इसको सीट खोल कर भी रख सकते थे इंडिकेटर की डिब्बी को, लेकिन सीट खोलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको हाथ से ही अंदर कर देते हैं। देख सकते हैं आप, अगर आप ये अपनी आपकी अगर ये बाइक में इंडिकेटर की डिब्बी ख़राब हो गई है तो सिर्फ ये लगभग 30 रुपये की ही पड़ती है, ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है। आप इसको अगर आप ख़राब हो जाकर तो चेंज करा लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी सस्ती होती है और बार बार भीगने पर ख़राब हो जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।